खबर बागपत से तांत्रिक विद्या का झांसा देकर एक तांत्रिक द्वारा अपने 3 साथियों के साथ मिलकर नाबालिग युवती को अपने हवस का शिकार बनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां रमाला थाना क्षेत्र के गांव निवासी नाबालिग युवती के घर तांत्रिक ने 4 अन्य साथियों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म पीड़िता युवती की सूचना पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ संगीन धारा में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी कार्यालय पहुंची दुष्कर्म पीड़िता की मां ने एसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले फरार 3 आरोपी उसकी बेटी और परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे। देर रात तवंचों धारदार हथियारों के बल पर उनके दरवाजे जबरन खुलवा लिए और उनकी बेटी सहित पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर चले गए। आपको बता दें कि वारदात के बाद से दुष्कर्म पीड़िता का परिवार दहशत के साए में है। बार बार शिकायत कर्ताओं के बावजूद भी पुलिस फरार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। वहीं दूसरी ओर नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता भी सदमे में। सनसनीखेज की बड़ी वारदात के बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। बताया जा रहा है कि गांव में तांत्रिक बाबा तंत्र विद्या और तंत्र क्रिया के माध्यम से लोगों बेवकूफ बनाकर जहां पैसे की ठगक करता है, वहीं गांव की भोली वाली और सीधी महिलाओं के जीवन से भी खिलवाड़ करता है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस कुछ भी बताने से बचती नजर आ रही है। जी, मेरा नाम मोनिका है, मैं गाँव बासोली की रहने वाली हूँ। आज एसपी ऑफिस आई हो, क्या मामला, क्या शिकायत है आपकी? एसपी ऑफिस इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे बेटे का बलात्कार हुआ है। हमारे गांव में तांत्रिक बाबा रह रहे थे 3 महीने से, जिनको लेकर बंटी गांव के अंदर आया था। 3 महीने से तांत्रिक क्रिया कर रहे थे, जिनके लिए उन्हें एक लड़की चाहिए थी। ये सब हमने मतलब बाहर लोगों से पता किया कि इनको एक लड़की चाहिए। और जैसे ही हम ये सलोनी की जो मम्मी पापा थे वो घर पर नहीं थे उस दिन, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए घर पर आए। रात के समय में घर में घुसे आके उन्होंने हमारी लड़की के साथ बलात्कार किया सामूहिक। और जो बंटी अनुज उसके इस खिलाफ़ में हमने, जब हमें पता चला लड़की सुबह ही हमें साथ बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमने पुलिस में मुकदमा दर्ज किया। लेकिन पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और 3 लोग अभी भी खुले घूम रहे हैं, अनुज, बंटी और सनित। ये लोग हमें घर पर आके मारने की धमकी दे रहे हैं, हमारी लड़की को मारने की धमकी दे रहे हैं और इनसे हमें जान का खतरा है। कल रात क्या हुआ? कल रात इन्होंने हमारे घर पर आए गोली तमंचे के साथ में, बोल रहे हैं कि लड़की कहाँ है तुम्हारी, उसे हम साली को मारे, गाली देकर भी हमसे बोले और हमारे बच्चों को भी टॉर्चर करते हैं, हमारे मान सम्मान को भी ठेस पहुँचाते हैं बार बार। अब एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी ऑफिस ने बोला है कि चलो देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं। इसके लिए हमने थाने में बार बार गुहार लगा रहे हैं, थाना इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोल रहा है कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा करो तब हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। इंस्पेक्टर हमें गुमराह कर रहा है 1 महीने से, 1 महीना हो गया ना बाहर घूमते। और सी ऑफिस भी गए, सी ऑफिस ने भी बोल दिया कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, कितने लोग अभी फरार हैं। इन इसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 3 लोग अभी भी फरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।